और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जब तक डाटा कलेक्ट नहीं होगा, तब तक कोई भी सरकार इफेक्टिव पॉलिसी बना के इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार उसी डाटा को कैप्चर करने के लिए जो जातिगत जनगणना की जरूरत है उसको डिनाई कर रही है, और उसके लिए सारे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी कहीं जाके ये एट्रोसिटीज़ रुकेंगी। और BJP देश को तोड़ने की साजिश कर रही है, BJP जाति धर्म के नाम पे दंगे करवा रही है, नफरत का माहौल बना रही है। नहीं, वो तो सबको पता है फर्जी डिग्री है, वो तो उनका स्टेटमेंट आया कि वो 17 साल की उम्र में निकल गए थे। भाई, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जानने का अधिकार देश की जनता को है, वो कितने पढ़े लिखे हैं और कितने नहीं हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास M.K. स्टालिन जी ने किया है। मुझे लगता है कि सोशल जस्टिस का जो बैटल आज़ादी से भी पहले मतलब फूले जी से शुरू हुआ, और उसके बाद साहूजी महाराज, फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, वहाँ से होते हुए माननीय कांसीराम साहब से होते हुए, और आज हम इसी स्टेज पे हैं कि इतने सालों के बाद भी सोशल जस्टिस के लिए सबको एक होना पड़ रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है M. Nagaraj वाले केस में कि एफिशिएंसी रहनी चाहिए और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए सर्वे चाहिए, डाटा चाहिए, और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जब तक डाटा कलेक्ट नहीं होगा, तब तक कोई भी सरकार इफेक्टिव पॉलिसी बना के इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। तो एक तरफ कोर्ट कह रही है कि डाटा होना चाहिए, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार उसी डाटा को कैप्चर करने के लिए जो जातिगत जनगणना की जरूरत है उसको डिनाई कर रही है। ये बेहद शर्मनाक है। लेकिन जिस तरह आज इतने सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और इतने सारे सांसद इकट्ठे हुए हैं इस सोशल जस्टिस के कोज के लिए, मुझे लगता है आने वाले समय में इससे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में मदद मिलेगी, और सोशल जस्टिस को बनाने में निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, और इसके माध्यम से पूरे विपक्ष को भी एकजुट करने में मदद मिल रही है, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हम न्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। लगातार एट्रोसिटीज हो रही हैं और केसेस भी एट्रोसिटी लगातार हो रही है, बल्कि पिछले जब से BJP केंद्र में सत्ता में आई तब से ऐसा लगता है जैसे बढ़ गया है, और इसीलिए पूरे देश के अंदर लोगों को लग रहा है कि देश का संविधान खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है, और उसके लिए सारे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी कहीं जाके ये एट्रोसिटीज़ रुकेंगी और न्याय की अवधारणा पे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मैं उसके लिए मैं आज M.K. स्टालिन जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की और सारे लोगों को एकजुट किया, सबको बहुत शुभकामनाएं बधाई। 2024 की तैयारी कैसा रही है जो आज हुआ है? 24 उसमें एक पार्ट है जी, बट अल्टीमेट 24 ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट सोशल जस्टिस है। लेकिन लगातार सर ये जो वर्तमान में सरकार है वो आरोप लगा रही है कि सभी जो भ्रष्टाचारी हैं वो एक ही छत के नीचे आ रहे हैं, और लगातार जो है इस तरीके का नहीं सारा मतलब क्या ये वॉशिंग मशीन है BJP जिनके खिलाफ केसेस ओपन करती है, और वो उन्हें गन पॉइंट पे, एक तरह से गन पॉइंट पे उनको फिर BJP ज्वाइन कराती है, और ज्वाइन कराती है वो सब पवित्र हो जाते हैं और सारे केसेस क्लोज हो जाते हैं। सारा देश का ब्लैक मनी सारा BJP के लोगों के पास है, और BJP देश को तोड़ने की साजिश कर रही है, BJP जाति धर्म के नाम पे दंगे करवा रही है, नफरत का माहौल बना रही है, और धार्मिक उत्सवों में जिस तरह तलवारें लहराई जा रही हैं, ये सब देश के लिए बेहद खतरा है, और मुझे लगता है कि इसका जवाब देने का समय आ गया, सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं, वो तो सबको पता है फर्जी डिग्री है, वो तो उनका स्टेटमेंट आया कि वो 17 साल की उम्र में निकल गए थे जी। और वो सब सबके सामने है, और सच्चाई तो अगर नहीं है, अगर उनके पास डिग्री ओरिजिनल है तो वो आके पता क्यों नहीं देते? वो जो कोर्ट हाई कोर्ट से जो इस तरह का ऑर्डर आया और 25,000 पेनल्टी लगाई है, शर्मनाक है। भाई, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जानने का अधिकार देश की जनता को है, वो कितने पढ़े लिखे हैं और कितने नहीं हैं, लेकिन जिस तरह के निर्णय उन्होंने सरकार में प्रधानमंत्री रहते हुए लिए हैं, उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। थैंक यू।